नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य भर में के पाठक ने जिलों से मांगी स्कूलों को लेकर जानकारी। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल। ट्रेन क्रिमिनल्स पर रखी जाएगी तीसरी आंख से वीडियो निगरानी। पूर्णिया में बना बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक। MS धोनी भूले रास्ता, वायरल हुआ वीडियो। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य भर में के पाठक ने जिलों से मांगी स्कूलों को लेकर जानकारी। बीते 1 जुलाई से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में अब तक कितने बदलाव हो चुके हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट के पाठक के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांगी गई है। बता दें कि इन बदलावों को फोटो के माध्यम से दिखाना है और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक भी की जाएगी, जिसमें DEO प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शिक्षा विभाग को निरीक्षण में हुए बदलाव की जानकारी देंगे। बता दें कि इस रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। इस संबंध में हर दिन अलग अलग जिलों के पदाधिकारी इसके बारे में जानकारी देंगे। मालूम हो कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ावा दिया जाना है। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज दूसरा ट्रायल। बहुत जल्दी बिहार वासियों को पटना से हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि इसको लेकर आज इस ट्रेन का दोबारा ट्रायल किया गया, जिसके तहत पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन आज सुबह 8 बजे पटना जंक्शन से खुली और दोपहर करीब 2:30 बजे हावड़ा पहुंची। इस बीच यह ट्रेन पटना साहिब मोकामा लखीसराय जसीडीह आसनसोल रेलवे स्टेशन पर रुकी। वहीं वापसी में यह ट्रेन हावड़ा से दोपहर करीब 3:55 बजे पटना के लिए रवाना हुई, जो कि रात करीब 10:35 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी। आपसी में भी यह ट्रेन आसनसोल जसीडीह झाझा लखीसराय मोकामा और पटना साहिब में रुकेगी। बिहार की ये नदियां लाल निशान के पार, जारी हुआ अलर्ट। बिहार की कई नदियां लाल निशान के पार चली गई है, जिनमें गंगा, गंडक, बागमती, कोसी व परमान नदियों के नाम शामिल है। वहीं कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो उफान पर है, जिनमें बूढ़ी गंडक और कमला बलान नदी शामिल है। इसके अलावा सिवान जिले के दरौली में घाघरा नदी के जलस्तर की बढ़ने की भी आशंका है। महानंदा नदी के जलस्तर में भी कमी का रुख है। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर नीचे थी, जिसमें अब 30 सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है। वहीं सीतामढ़ी जिले के डिंग ब्रिज में बागमती नदी खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर नीचे थी, इसमें 8 सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है। पटना में गंगा और सोन के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके अलावा गंडक बड़ा वाल्मीकि नगर से गंडक नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बघा में गंडक दियारा इलाका तथा शहरी क्षेत्र व पिपड़ा सहित कई जगह पर कटाव तेज हो गए हैं। अब ट्रेन क्रिमिनल्स पर रखी जाएगी तीसरी आंख से वीडियो निगरानी। रेलवे की ओर से आए दिन यात्रियों के लिए नई नई सुविधा बहाल की जाती है। इसी कड़ी में अब रेलवे के द्वारा ट्रेन से लेकर प्लेटफॉर्म और सर्कुलेटिंग एरिया की सुरक्षा को लेकर हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाने की कवायद शुरू की जा रही है। बता दें कि सभी कैमरे अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इसकी मदद से टिकट दलालों और रेल से जुड़े अपराध में शामिल होने वाले बदमाशों की पहचान की जा सकेगी। मालूम हो कि इस संबंध में मालदा, हावड़ा, सियालदह और आसनसोल डिवीजन को ईस्टर्न रेलवे जोन के जनरल मैनेजर के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि जल्द ही कैमरे स्टेशन के महत्वपूर्ण हिस्सों में लगाए जाएंगे। मालूम हो कि कैमरे की निगरानी RPF के द्वारा शुरू कर दी गई है। इसके लिए संबंधित स्टेशनों पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। ये कैमरे वीडियो निगरानी के साथ साथ चेहरे की पहचान विश्लेषण और व्यक्तिगत ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इसमें लोगों की ट्रैकिंग का सिस्टम है। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक का हुआ लोकार्पण। बीते दिन बिहार के राजधानी पटना के गांधी मैदान स्थित कालिदास रंगालय में राज्य के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा सुविख्यात लोक कलाकार स्वर्गीय भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित पुस्तक पिया गैले कलकत्वा का लोकार्पण किया गया। इस दौरान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा कहा गया कि भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी लोक कला और साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि वह जनमानस के कलाकार थे और उनके कार्य से प्रभावित होकर ही राहुल सांकृत्यान ने उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर का उपाधि दिया था। आज भिखारी ठाकुर पर किरणाकांत वर्मा के द्वारा किताब लिखकर बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी यह किताब पढ़कर भोजपुरी लोक कला पर भिखारी ठाकुर द्वारा किए गए उनके कार्यों को जानेगी। पूर्णिया में बना बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक। बिहार सरकार की ओर से पूर्णिया में बिहार का दूसरा सिंथेटिक ट्रैक बनवाकर पूर्णिया वासी को एक बड़ी सौगात दी गई है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पूर्णिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन इसी वर्ष हो जाएगा। इस स्टेडियम के बन जाने के बाद पूर्वी बिहार के युवाओं को अब यहाँ एथलेटिक्स बनने का अवसर मिलेगा। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक भी दौड़ते नजर आएंगे। पूर्णिया में बने इस ट्रैक पर 200, 400, 800 और 1600 मीटर की दौड़ कराई जा सकती है।
सकती है। इसके अलावा यहां बाधा दौड़ का भी आयोजन संभव है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण में करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। वही तैयार होने के बाद इसके प्रबंधन समेत इसकी सारी जिम्मेवारी पूर्णिया विश्वविद्यालय को सौंप दी जाएगी। नशीले पदार्थ की 4,847 बोतल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एक तरफ जहां बिहार में अवैध शराब का कारोबार हो रहा, तो वहीं दूसरी ओर नशीले पदार्थों का कारोबार भी धड़ल्ले से हो रहा है। बता दें कि इसी कड़ी में पूर्णिया में हथियार के बल पर नशीले पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वाले तस्करों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 100 ml की 4,847 बोतल के साथ 3 तस्करों को अपनी गिरफ्त में लिया गया है। इस बारे में SP आमिर जावेद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिन 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस के द्वारा नशीले पदार्थ और तस्कर की गिरफ्तारी की गई है, उनमें पहला डगरुआ थाना क्षेत्र तो वहीं दूसरा जलालगढ़ थाना क्षेत्र का है। इस दौरान पुलिस के द्वारा पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए राज्य सरकार ने जारी किए 16 करोड़ रुपए। बहुत जल्द ही राज्य के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। दरअसल इसको लेकर राज्य सरकार की ओर से 16.12 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इस पैसे से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 92,000 युवाओं को लाभ मिलने वाला है। मालूम हो कि इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में 2 अक्टूबर से की गई थी। इस योजना के तहत 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को सरकार की ओर से प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 2 सालों के लिए होता है। ऐसे में इसको लेकर योजना एवं विकास विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ जुलाई महीने के लिए 92,561 लाभार्थियों को मिलने वाला है। यह राशि उनको रोजगार तलाशने में मदद करेगी। बिहार के 3 रेलवे स्टेशनों को मिलेगा PM के विशेष योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के लिए एक तोहफा दिया गया है, जिसके तहत उनके एक विशेष योजना के अंतर्गत बिहार के 3 रेलवे स्टेशनों को लाभ मिलने वाला है, जिनमें पटना, दरभंगा और कटिहार स्टेशन शामिल है। दरअसल इन 3 रेलवे स्टेशनों पर रेल मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने की पहल की जाएगी, जिसका उद्देश्य यहां आने वाले यात्रियों को किफायती दाम पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और जन औषधि उत्पाद उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा इस पहल से रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। मालूम हो कि PM मोदी के इस विशेष योजना के तहत पहले चरण में देश के 50 रेलवे स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत रेलवे कमर्शियल लाइसेंस धारकों को सर्कुलेटिंग एरिया और स्टेशनों के कॉनकोर्स में तैयार किए गए आउटलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन स्टॉलों को NID अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया जाएगा। तमाम मेडिकल कॉलेज की NAC की तरह होगा मूल्यांकन। बिहार में तमाम मेडिकल कॉलेजों का NAC की तरह मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि छात्र छात्राओं को मिलने वाली सुविधा के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में नेशनल मेडिकल कमीशन और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कॉलेजों की रैंकिंग के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैंकिंग के लिए 11 मापदंड तैयार किए गए हैं और साथ ही इसे 92 भागों में बांटा गया है। वहीं मेडिकल कॉलेजों के करिकुलम को 7% प्रैक्टिकल और हेड ऑन तथा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के 16, शैक्षणिक स्थिति, फिजिकल, मनोवैज्ञानिक, ऑक्यूपेशनल के 10, छात्रों के दाखिले के 13%, ह्यूमन रिसोर्सेज व टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 16, असेसमेंट पॉलिसी के 2, सर्च आउटपुट के 10, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के 5, क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम के 3, फीडबैक के 8% अंक दिए जाएंगे। इसके बाद कॉलेज अच्छे शिक्षण और लर्निंग के प्रोसेस पर काम करेंगे। इससे छात्रों को भी फायदा होगा, क्योंकि इससे कॉलेजों की स्थिति का पता चल सकेगा। नवजात की देखभाल के गुर सीखेंगे स्वास्थ्य कर्मी। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राज्य भर के स्वास्थ्य कर्मियों को चरणवार तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस प्रशिक्षण की शुरुआत खगड़िया जिले से होगी। मालूम हो कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, पाथ संस्था एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के साझा से आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से वित्तीय सहायता भी दी जा रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य कर्मियों का ज्ञान व क्षमता वर्धन है, ताकि वे नवजात के लिए किए जाने वाले सभी देखभाल कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें। बिहार के इस जिले में हनुमंत कथा के लिए आ रहे बागेश्वर बाबा। एक बार फिर से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हनुमंत कथा को लेकर बिहार आने वाले हैं। हालांकि वह कब आने वाले हैं, इसकी तारीख को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन श्री बागेश्वर बिहार फाउंडेशन आड़ा का एक शिष्य मंडल, जो पिछले दिनों बागेश्वर बाबा से मिले थे, उनसे मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बाबा बागेश्वर से आग्रह किया है कि वह भोजपुर जिले के उदवंत नगर में अपना हनुमंत कथा रखें, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया है और बहुत जल्द ही तारीख की घोषणा करने की बात कही गई है। इसको लेकर आयोजन समिति के प्रमुख बिट्टू वीरता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह पूरा कार्यक्रम बागेश्वर बिहार फाउंडेशन के राजशेखर के तत्वावधान में बागेश्वर बालाजी के कृपा तथा श्री गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के आशीर्वाद से पूरा किया जाएगा।
15 अगस्त को राजधानी के कई रास्ते बंद। 15 अगस्त को लेकर बिहार की राजधानी पटना के पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी कर यह जानकारी दी गई है कि उस दिन यानी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान की तरफ से जाने वाले कई रास्ते बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप भी उस दिन कहीं निकलने की सोच रहे हैं तो निकलने से पहले एक बार रूट जरूर चेक कर लें। बता दें कि जारी किए गए एडवाइजरी के अनुसार आम लोग अपनी गाड़ियों से फ्रेजर रोड से पटना जंक्शन, डाक बंगला चौराहा से पूरब की ओर भट्टाचार्य रोड, पीर मुहानी फिरनाला रोड की ओर जा सकते हैं। वहीं भोलटास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाले वाहन विद्यापति मार्ग, बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन चौराहे तक जाएंगे। इसके अलावा जहां तक रास्ता बंद रहने वाला है उनमें फ्रेजर रोड, डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, चिल्ड्रन पार्क तक है। वहीं डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड, कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाले सभी रास्ते, जेपी गंगा पथ पर आयुक्त कार्यालय के सामने से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और गांधी मैदान की ओर आने वाले फ्लैग, एग्जीबिशन रोड से गांधी मैदान की ओर जाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही कई ऐसे सड़क हैं जो उस दिन बंद रहने वाले हैं। बिहार से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए बढ़ी सुविधा। रेलवे की ओर से बिहार से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए सुविधा को बढ़ाते हुए बड़वानी से यशवंतपुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि में विस्तार कर दिया गया है। इस बारे में पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों के फेरों में दोनों ओर से 7-7 फेरों की वृद्धि कर दी गई है, जिससे कि यात्रियों को बेहतर और सुगम यात्रा का आनंद मिल सके। बता दें कि अब 19 अगस्त से 30 सितंबर तक गाड़ी संख्या 05215 बड़वानी यशवंतपुर स्पेशल बड़वानी से सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। वहीं वापसी में यशवंतपुर से 22 अगस्त से 3 अक्टूबर तक गाड़ी संख्या 05216 यशवंतपुर बड़वानी स्पेशल सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएगी। एमएस धोनी भूले रास्ता, वायरल हुआ वीडियो। इन दिनों भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह रांची का रास्ता भूलते दिखाई दे रहे हैं और वह अजनबियों से रास्ता पूछ रहे हैं। बता दें कि इस वीडियो में धोनी के साथ एक और व्यक्ति नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हुए रांची के लिए रास्ता पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाइक पर सवार दो स्थानीय लोग एमएस धोनी का रास्ता बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही उन्हें दिशा निर्देश समझाते हुए दिख रहे हैं। धोनी दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनते हैं और फिर हाथ मिलाकर आगे निकल जाते हैं। मालूम हो कि इससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें विकार चलाते नजर आ रहे थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, सुरेंद्र कुमार, मनीष सिंह, नन्नू गोलो कुमार, उमेश ऋषिदेव, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद सकीर हुसैन, विजय कुमार चौरसिया, रोशनी खातून, सदुल्लाह पलवी, रवि शंकर, सफा फरीद, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, सचिन कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में 15 अगस्त का सबसे भव्य आयोजन कहाँ होता है? आप नजाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।